وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ और अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को, और यहाँ इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम। किससे पैदा किया? सलसाल से। सलसाल क्या है? खनकने वाली खुश्क मट्टी। कभी मट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने, तो बचते हैं ना। मिन हमन, गारे से, कीचड़ से। मसनून, सड़े हुए, ढले हुए, खास शक्ल के ढले हुए। इसी से लफ सुन्नत भी है। सूरत अर-रहमान में भी आता है, खलक अल इंसान मिन सलसाल कल फखार। इंसान की जो तखलीक है उसकी कई स्टेज है। कभी आता है तुराब से पैदा किया, पानी में पड़ने से पहले की जो मिट्टी थी डस्ट जिसको कहते हैं उसे तुराब कहा जाता है। जब वो पानी में भीग जाए तो तीन हो जाती, कौ या नून, कीचड़, चपकती हुई मट्टी, चिकनी मट्टी नहीं कहती। फिर हमा, जो काफी अरसा भीगी रहे यहां तक कि स्याह रंग हो जाए। जो लोग मट्टी से खेले हों कभी बचपन में उनको ये सब चीजें याद आ रही होंगी। और मसनून, जब स्याह कीचड़ में बदबू पैदा हो जाए, बहुत दिन जब उसको ढक के रख दिया जाता है या उसे कोई सूरत दे दी जाती है। सलसाल, जब स्याह बदबूदार कीचड़ खुश्क हो जाए कि आवाज आने लगे, खनकने लगे। और फखार, जब उसे आग में पकाया जाए वो ठीकरी बन जाए। कभी किसी ने ईंटे बनाने वाला भट्टा देखा है या कभी वहां जाके पूछा उनसे कि ईंटे कैसे बनाते हैं, या जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो क्या करते हैं? मिट्टी को भिगोते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं कई दिन, फिर वो उसके अंदर सड़ान पैदा होती है, चिपकने लगती है, चिकनी हो जाती है। फिर उसके बाद ये कि उसको खास तौर पर उसको खास किस्म की उसको लोफ बना के फिर बर्तन खड़े जाते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको पकाया जाता है। यहां भी अगर आप किसी पॉटरी की फैक्ट्री वगैरह को देखें तो प्रोसेस यही है। इसी प्रोसेस से इंसान बना आदम अलैहिस्सलाम।